हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में। अच्छा स्टॉक है, 280 रुपीज़ प्राइस चल रही है इसकी, और आज इसमें लगभग 1.5% का गिरावट भी देखने को मिली है, और इसका आज लो लगाया था 278 रुपीज़ का। लेकिन स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, वो आपको दिखाऊंगा चार्ट पे किस प्रकार का मोमेंटम बना हुआ है। और इस स्टॉक में पिछले काफी समय से एक अच्छी सी तेजी देखने को मिल रही है, और इसका और एनालिस्ट कह रहे हैं कि अभी काफी ऊपर जा सकता है स्टॉक। तो क्यों जो ऊपर जा सकता है, क्योंकि नवंबर के जो टोल कलेक्शन के आंकड़े आए हैं वो काफी बढ़िया आए हैं, और इनको काफी अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है जो नवंबर के टोल कलेक्शन को हुआ। क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है ये कि आईआरबी इंफ्रा जंप्स 5% आफ्टर स्ट्रॉन्ग टोल रेवेन्यू कलेक्शन एनालिसिस सेज सी मोर अपसाइड। काफी अच्छे अच्छे अपसाइड देखने को हमें और अच्छे मेल देखने को मिल सकते हैं। तो क्या लेवल के टारगेट हम ले सकते हैं, स्टॉप लॉस कितना ले सकते हैं, तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट पर। और आपने अगर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बढ़िया बढ़िया और टारगेटेड वीडियो यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्निकल्स पे, सीधा चलते हैं किस प्रकार के टेक्निकल्स देखने को मिल रहे हैं। तो टेक्निकल में एक बढ़िया सा इनसाइड बार तो इसने हर बार बनाया, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम भी पिक करता हुआ स्टॉक हमेशा से दिखा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगा देता है, कई बार स्लो मूवर्स टाइप का है। इस ट्रेंड लाइन को अभी तक इंटेक्ट किया हुआ स्टॉक ने अगर इसको थोड़ा सा और मैं अगर फिक्स कर दूं तो हमारा स्टॉप लॉस और छोटा सा हो जाएगा, मतलब काफी नैरो हो जाएगा। या डेफिनेटली इसके नीचे स्टॉप लॉस को, मतलब 260 के नीचे स्टॉक की वीकनेस होने वाली है, 260 या और आगे जाता है तो ये और 262 के आसपास इसकी वीकनेस होने वाली है। तो हम इसका 260 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, 260 रुपए का स्टॉप लॉस लेंगे और ये स्टॉक कहां तक जा सकता है। तो अभी इसमें एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, ट्रेड लाइन के ऊपर काम कर रहा है, 268 के ऊपर काम कर रहा है, 269 के, तो 270 रुपीज़ के ऊपर काम कर रहा है। तो स्टॉक अभी ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इस स्टॉक में। यहाँ से एक अच्छा एक पैटर्न भी बनाता हुआ स्टॉक दिख रहा है, मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार का पैटर्न, क्योंकि नैरो में बनाते तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। चलिए कोई बात नहीं, तो अब ये ऊपर एक अच्छा सा पैटर्न बना लिया है इसने, और यहाँ से देखा जाए तो एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा अपसाइड अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो किन लेवलों पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है या सपोर्ट मिलने को मिल सकता है, तो पहला टारगेट तो हमारा होने वाला है 300 रुपए का टारगेट। एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है और एक छोटा सा रेजिस्टेंस, ज्यादा बड़ा नहीं है, और इसके बाद अगर इसने ब्रेक कर दिया तो अपने ऑल टाइम हाई 344 रुपए तक के लेवल्स को ये स्टॉक दिखा सकता है। 340 रुपए तक का टारगेट लेकर के हम इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, 20 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर के, और टारगेट कितना है, ऑलमोस्ट 40-60 पॉइंट का, तो 1:3 का इसमें एक अच्छा आरआर भी देखने को हमें मिल रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में भी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, इनसाइड बार का एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। तो जस्ट लुक दैट, डेफिनेटली ये एक बढ़िया इनसाइड बार का भी ब्रेकआउट देखने को हमें मिला है। यहाँ पर इसने एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बनाई, इसके बाद दो रेड कैंडल बनाई, और इसके बाद क्या बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला, और उसके बाद एक स्टॉक भी ठीक ठाक चल रहा है। अभी हो सकता है कि अगले वीक में एक अच्छे मोमेंटम में स्टॉक आता हुआ और हमारे जो पहले टारगेट है 300 रुपये और 340 रुपये की दूसरा टारगेट है उसको मैट होते हुए दिखाएं। अगर ये स्टॉक 340 रुपये के 44 रुपये के स्टॉक मतलब प्राइस को तोड़ देता है तो ऑलमोस्ट एक साल बाद से भी ज़्यादा, जैसे लास्ट ये किस तारीख को आया था, 18 अक्टूबर के आसपास आया था लास्ट, 25 अक्टूबर को इसने अपना हाई बनाया था, तो 25 अक्टूबर से मतलब एक साल से ऊपर हो गया, तो अपने एक साल के बाद इसमें स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा, और यहाँ से फिर अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली काफी अच्छा चाहिए। और हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो इसमें वीकनेस होने वाली है, तुरंत ही एग्जिट कर जाइए, इंपॉर्टेंट बात। तो ये इसके लेवल्स होने वाले हैं, आपको मैं सारी चीजें बता दी है, अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।